वायरल सच में अब आपको उस रोजेदार की कहानी बताएंगे जिसने एक हिंदू बच्चे की जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ दिया। जी हां, एक मुस्लिम युवक की यह कहानी बेशक उन लोगों के लिए एक नसीहत है जो मजहब के नाम पर खून बहाते हैं। क्या है इंसानियत को सबसे बड़ा बनाने वाले इस कहानी के पीछे का सच, ये आपको दिखाएंगे। और हां, यह भी बता दें कि आमतौर पर हम अस्पताल के अंदर के विजुअल्स नहीं दिखाते हैं, दिखाने से बचते हैं, लेकिन यह कहानी की मांग है, यह कहानी एक नसीहत दे रही है, इसलिए इसकी शुरुआत अस्पताल के अंदर के विजुअल से ही कर रहे हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उस नवजात बच्चे की जिसने महज दो दिन पहले ही इस दुनिया में कदम रखा है, और दूसरी तरफ एक युवक है जिसका खून निकाला जा रहा है। नवजात और युवक दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का धर्म अलग है, परिवार अलग है, लेकिन अब दोनों खून के रिश्ते में बंध गए हैं। नवजात शिशु की जान बचाने के लिए अपना खून देने वाले इस युवक का नाम मोहम्मद अशफाक है। अशफाक को फेसबुक के जरिए पता चला था कि एक नवजात के लिए ब्लड डोनर की तलाश की जा रही है। दरअसल बिहार के दरभंगा में आरती कुमारी नाम की महिला ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद से ही बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद उसे आईसीयू में रखना पड़ा। बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव रेयर था, इसलिए खून मिलने में दिक्कत आ रही थी। बच्चे के परिवार के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी थी। नवजात के पिता रमेश कुमार सिंह एसएसबी में है और उस वक्त अस्पताल में वो मौजूद नहीं थे। ऐसे में सोशल मीडिया पे बच्चे के परिवार वालों ने ब्लड डोनेशन की अपील की। इसी अपील पर अशफाक की नजर पड़ी और फिर चैट के जरिए ही स्थिति को समझी और फिर मदद का भरोसा जताया। अशफाक मदद के इरादे से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। अशफाक ने ब्लड डोनेशन का फॉर्म भी भर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उनका खून लेने से मना कर दिया क्योंकि अशफाक रोजे से थे और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन डॉक्टर खाली पेट खून निकालने की इजाजत नहीं देते। अशफाक ने बच्चे की जान के खातिर खून लेने की मिन्नत की, लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। अशफाक को बच्चे की जान और रोजे में से किसी एक को चुनना था और उन्होंने इंसानियत का दामन थामते हुए रोजा खोलने का फैसला किया। अशफाक ने पानी पीकर और कुछ खाकर अपना रोजा खोला, जिसके बाद डॉक्टर ने उनका खून निकाला और बच्चे की जान बच गई। मेरे ईश्वर ने कहा कि सबसे पहले अगर किसी का जीवन बचाना हो, व्यक्ति का जीवन बचा दो, यहाँ तो नन्ही सी जान की बात थी। इबादत हो सकता है, हम रोजा बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन जीवन एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैंने तुरंत सडनली फैसला किया कि उस बच्ची को मुझको ब्लड लेके उसका जीवन बचाना है। मुझे अफसोस होता है कि लोग आज ये सवाल करते हैं कि वो बच्ची हिंदू या मुस्लिम। निश्चित रूप से वो बच्ची हिंदू थी, लेकिन ये कहते और मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे हिंदू थी मुस्लिम थी, मुझे फर्क पड़ता वो मेरी बच्ची थी। बच्चे की दादी अशफाक के लिए क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। हम लोग तो समझते हैं जो भगवान है मेरे लिए, हम नहीं मानते हैं हिंदू और मुस्लिम। जब बच्चा को जिंदगी दी है तो हम हिंदू और मुस्लिम। यानी एक हिंदू परिवार के लिए किसी और मजहब का व्यक्ति भगवान बन चुका है। अशफाक का यह कदम उन लोगों के लिए सबक है जो किसी की जान से ज्यादा धर्म और मजहब को महान समझते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।